तो हम बात करेंगे आज डेटा कनेक्टिविटी के बारे में कि एक्सेल पे किसी और जगह से डेटा आप कैसे लेके आएंगे, ये आज की क्लास में हम आपके साथ बात करेंगे। साथ में बात करेंगे कि पावर क्यूरी और एसक्यूएल क्यूरी के बारे क्यूरी वगैरह के बारे में भी ऑल्सो बात करेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले हम आते हैं गेट डेटा पे। गेट डेटा जिसमें आएगा फ्रॉम फाइल, मैं किसी पर्टिकुलर फाइल चाहे एक्सेल की हो या सीएसबी का हो या एक्सएमएल हो, पीडीएफ हो या किसी पर्टिकुलर फोल्डर हो, वहां से डेटा कैसे लाएंगे। तो वैसे एक्सेल से डेटा तो कॉपी पेस्ट करके ला देंगे, जैसे ऐसी बात है, बट कॉपी पेस्ट करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जब डेटा को कॉपी पेस्ट कीजिएगा तो डेटा एक फाइल से दूसरे फाइल पे आपका लिंक नहीं होगा, एक फाइल से दूसरे फाइल पे डेटा हमारा लिंक नहीं होगा, इसीलिए हम डेटा को कॉपी पेस्ट न करेंगे। चलिए, हमारे पास एक डी ड्राइव के अंदर मेरे पास एक डेटा है, डेटा नाम का सी फाइल है, मुझे इसकी डेटा इस फाइल पे चाहिए, और जब जब भी मैं यहाँ पे चेंज करूँ मेरा वहां पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाना चाहिए। तो इस केस में हम जाते हैं गेट डेटा फ्रॉम फाइल और यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करते हैं। लोकेशन पे जाते हैं और अपना फाइल सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे अपने फाइल को सिलेक्ट किया, देन इंपोर्ट। इंपोर्ट करने के बाद अपनी शीट को सिलेक्ट किया, जिस शीट का हमें डेटा चाहिए उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लोड करूंगा, क्या करूंगा लोड, तो लोड पे जब क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि एक नई शीट बनेगी, उसमें डेटा आ जाएगा। लेकिन मैं डेटा नहीं पिवट लगाना चाहता हूँ या कुछ और लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आपको लोड या लोड टू करना पड़ेगा। लोड टू जब कीजिएगा तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप डेटा टेबल में चाहते हैं, न्यू वर्कशीट में या सेम वर्कशीट में, या पिवट टेबल रिपोर्ट्स में चाहिए, पिवट चार्ट में चाहिए, या सिर्फ कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे टेबल पे क्लिक किया और ओके कर दिया, और मैंने एग्जिस्टिंग वर्कशीट सेलेक्ट किया एंड ओके किया, ये डेटा हमारा लिंक हो गया। अब इस डेटा अगर मैं डेटा शीट के अंदर किसी भी तरह का कोई चेंजिंग करूं तो यहाँ अपने आप अपडेट हो जाएगा। अगर अपडेट नहीं हुआ तो राइट क्लिक करके जस्ट रिफ्रेश कीजिएगा, रिफ्रेश करते ही अपडेट हो जाएगा। तो और कहाँ कहाँ से डेटा ला सकते हैं, चलिए हम इस पे बात करते हैं। इसके बाद फ्रॉम सीएस, ये तो आपका डेटा आया यहाँ पे, यहाँ पे चेंज थोड़ी होगा, चेंज हुआ जहां से आया है। जैसे मान लीजिए ना कि आप एक फाइल आपका मास्टर फाइल है, उस फाइल से आप 10 फाइल को लिंक किए हुए हैं जो अलग अलग रिपोर्ट बनाता है, तो मास्टर फाइल को लिंक किए तो बाकी जहां जहां मास्टर फाइल को अपडेट करेंगे बाकी लिंक फाइल अपने अपडेट हो जाएगा, समझे कि नहीं। नहीं, सीट 1 में तो डेटा आया है, अगर मान लीजिए इस पर आप चेंज भी कर देते, जैसे 50 यहाँ पे कर दिया, तो जैसे रिफ्रेश करेंगे रिफ्रेश करते वापस सही हो जाएगा। हाँ, ये तो मिरर हुआ ना, ये तो ये समझिए कि ये हुआ मिरर, हुआ सेकेंड स्क्रीन, हुआ सेकेंड, हुआ फर्स्ट, तो आप फर्स्ट चेंज करेंगे ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नोटपैड से फाइल लेना चाहता हूँ, तो नोटपैड को सेलेक्ट किया, इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करते ही यहाँ पे बता देगा कि भाई ये जो डेटा है इसको कैसे करना है। तो यहाँ पे फिक्स विड्थ है, फिक्स विड्थ के जगह पे मान लीजिए मैंने कॉमा दिया, नहीं कॉमा है ही नहीं, तो टैब देता हूँ, तो टैब की भी यहाँ पे इसने चेंज कर दिया, समझे। मतलब कि जो नोटपैड की फाइल है उसमें एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में क्या सेपरेटर है, तो टैब है, कॉमा है, क्या है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। सेम अगर मैं लोड पे क्लिक कर देता हूँ तो एक नई फाइल में लोड कर देगा, लेकिन लोड टू करता तो क्या होता, एक नई सीट में ना करके मुझे च्वाइस देता, ठीक है सर। ऐसे मान लीजिए मेरे पास पीडीएफ है, मेरा डेटा किस में पड़ा हुआ है, पीडीएफ में पड़ा हुआ, तो फ्रॉम यहाँ पे गए फ्रॉम फाइल और पीडीएफ पे क्लिक किया, और पीडीएफ पे ये रहा, नहीं तो टर्म एंड कंडीशन है, पीडीएफ ढूंढता हूँ, जाइए
एक मिनट जाइए, पीडीएफ में नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा, पीडीएफ में डेटा होना चाहिए। है ना डीटी, ये पीडीएफ है। देखिए पीडीएफ में डेटा है, लेकिन इस डेटा के साथ पीडीएफ में डेटा हो तो इसमें दो तीन प्रॉब्लम होती है। पहली, डेटा आपका स्कैन नहीं होना चाहिए, डेटा सिलेक्ट कन्वर्ट होना चाहिए। दूसरा, जो आपकी हेडिंग है ना, वो हेडिंग हर पेज पे होना चाहिए, दिख रहा है सर? अब इसमें प्रॉब्लम हो गया, हर पेज पे नहीं है, तो ये आपको मैनुअल कंबाइन करना पड़ेगा, ये कंबाइन नहीं हो। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ एक्सेल पे, यहाँ पे गेट डेटा फ्रॉम पीडीएफ, ऑल फाइल की जगह पे नहीं, ऑल फाइल गेट, ठीक है, इसको हमने किया इंपोर्ट। पीडीएफ में थोड़ा टाइम लगाता है, इसको ध्यान रखिएगा। पीडीएफ जब कनेक्ट करेंगे तो पीडीएफ में थोड़ा सा टाइम लगाएगा। इंतजार कर दीजिए, काफी टाइम लगा दिया। हाँ आया, काफी टाइम लगा रहा है सर, पीडीएफ में तो टाइम लगता है। हाँ देखिए, इसलिए क्या हुआ कि जितने भी पेजेस थे ना डेटा की, सारे पेजेस दे दिए आप। क्यों? क्योंकि इसमें आपका जो हेडिंग था वो पहले पेज पे हेडिंग था। अगर हेडिंग सारे पेज पे होगा तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ गए? पीडीएफ से डेटा उठ के इजिली चला आएगा, तो पीडीएफ लेते समय इसका ध्यान रखिएगा। पीडीएफ के बाद यहाँ फोल्डर आता है। अब होता क्या है कि मेरे पास एक फोल्डर है जिसमें एक ही तरह के कई सारे डेटा, जो डेटा फोल्डर दिख रहा होगा, इसमें कई सारे फाइल, सब फाइल के अंदर जो डेटा है ना, वो डेटा बिल्कुल सेम है, बट डिफरेंट डिफरेंट डेटा है। मैं चाहता हूं कि सारे फाइलों का डेटा एक फाइल में, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे आ जाए। उस केस में मैं गेट डेटा पे जाऊंगा फ्रॉम फाइल, और यहाँ पे फ्रॉम फोल्डर पे आऊंगा, और फ्रॉम फोल्डर पे आने के बाद मैं अपना फोल्डर सिलेक्ट करके ओपन करूंगा। ओपन करते ही इस फोल्डर में जितने भी फाइल होंगे सबके लिस्ट आपको यहाँ पे दिखा देंगे। अगर मैं इसी को लोड पे क्लिक कर दिया तो जो लिस्ट दिख रहा है इसी लिस्ट को दिखा शो कर देगा।
अदरवाइज मैं यहाँ कंबाइन करूंगा, तो कंबाइन एंड लोड एंड कंबाइन एंड लोड टू। तो कंबाइन लोड करेंगे तो एक नई सीट इंसर्ट करेगा, उसमें डाल देगा। कंबाइन एंड लोड टू पे क्लिक किया तो क्या करेगा कि कंबाइन करने के बाद आपको यहाँ पे देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जितनी भी फाइल लिस्ट आ जाएगी, कोई एक फाइल सेलेक्ट कर लीजिए, उस फाइल का उस सीट सेलेक्ट कर लीजिए। अभी इस सीट के अंदर जितने भी हेडिंग है ना, इस हेडिंग के बिहाफ पे जितने भी डेटा होंगे उस डेटा को यहाँ पे कुलेट कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने ओके कर दिया। यहाँ देखिए हर सी फाइल का डेटा एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे कंबाइन हो गया। बस ध्यान रखिएगा कि कॉलन जो है सब में एक जैसा होना चाहिए। सिक्वेंसली हो से मतलब नहीं है, लेकिन एक जैसा होना चाहिए। और कॉलम हेडिंग के अकॉर्डिंग से मार्च है तो दूसरे फाइल में मार्च पहले माने कि तीसरे नंबर पे नहीं, अगर छठे नंबर पे है फिर भी डेटा कुलेट कर लेगा। उसी तरह से यहां हम आते हैं डेटा में, फ्रॉम फाइल के बाद फ्रॉम डेटाबेस। मुझे मान लीजिए कि मेरा जो डेटाबेस है माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर का डेटा, इसका एक्सेस का डेटा है, और मुझे एक्सेस के डेटा को लेके आना है। एक्सेस का डेटाबेस मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया एंड हमने इम्पोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद अपना डेटा या अपनी क्यूरी को सिलेक्ट कर ले, उसी के हिसाब से डेटा आपका लोड हो जाएगा। यहाँ पे लोड किए लोड आ। उसी तरह से डेटा मेरा मान लीजिए पड़ा हुआ है एसक्यूएल सर्वर में, तो यहाँ से एसक्यूएल सर्वर से लेकर आ सकते हैं। बट एसक्यूएल सर्वर से लाने के लिए आपके पास होना चाहिए एसक्यूएल सर्वर का एक्सेस, आपके सिस्टम में होना चाहिए। तो मेरे सिस्टम में एसक्यूएल सर्वर है, हम इस पर क्लिक करते हैं। अभी आपको यहां पे एसक्यूएल सर्वर का जो सर्वर नेम विद पाथ है ये चाहिए होगा, तो मैं यहां एक्सेल पे आता हूं और ये पाथ यहां पे डाल देता हूं। उसके बाद इसके अंदर जो डेटाबेसेस है वो चाहिए, तो मुझे किस डेटाबेस का डेटा चाहिए, ये ऑप्शनल है, अगर सिलेक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो मुझे यहाँ डीटी के अंदर टेबल जो है हमारा, ये जो डीटी डीटीए टेबल है ये चाहिए। तो यहाँ अगर मैं सिलेक्ट 1000 करते हैं, ये डेटा दिख रहा है, मुझे ये डेटा चाहिए। तो यहाँ पे हमने एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो एडवांस ऑप्शन में यहाँ डेटाबेस का नाम डाल दीजिए डीटी, क्या है डीटी डीटी, और मैं यही पे सिक्वल क्यूरी भी लिख सकता हूं। जैसे हमने लिख दिया कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रॉम कौन सा है हमारा डीटीए एंड ओके करता हूं, ये आ गया। और यहीं पे मैं लोड पे क्लिक करता हूं तो एसक्यूएल सर्वर से मेरी एसक्यूएल क्यूरी के अकॉर्डिंग डेटा आ गया। अब वैसे एसक्यूएल क्यूरी मुझे तो नहीं आती, कोई बात नहीं, आपके एसक्यूएल क्यूरी नहीं आती है तो बगैर एसक्यूएल क्यूरी के भी आप यहाँ लिंक कर सकते हैं बिना टाइप किए, वो तो ऑप्शनल था। जैसे कि यहां मैं इस यहां से यहां सर्वर को कॉपी किया, सॉरी सर्वर नेम और पाथ को कॉपी किया और यहाँ पे मैंने डाल दिया एंड ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ डेटाबेसेस आएगा आपको, तो कौन सा मुझे आईपीटी डेटा के अंदर के डेटा में मुझे मान लीजिए डीटीए वाला डीटीए चाहिए एंड लोड कीजिए, लोड हुआ, यहाँ से आप डेटा लोड कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं डेटा मेनूबार के अंदर आता हूं और इसमें अजूरे वगैरह तो हमारे पास है नहीं, वरना बताता आपको। उसके बाद डेटाबेस में यहाँ ओरिकल डेटाबेस वगैरह भी है, जैसे अदर सोर्स में आप जाएंगे तो ये देखिए ओडीबीसी ओरिकल का होता है, तो ओरिकल वगैरह तो है नहीं यहाँ पे तो रह देते हैं। फ्रॉम टेबल, इसी टेबल से ले, इसके बारे में आगे बताऊंगा मैं। फ्रॉम वेब, किसी वेबसाइट से डेटा मुझे लेना है, कहाँ से लेना है, किसी वेबसाइट से। जैसे मान लीजिए किसी वेबसाइट, जैसे मान लीजिए मनी कंट्रोल या बहुत सारे ऐसे साइट है ना, उससे मुझे डेटा लेना है, या फिर
मैंने सर एक पाथ है मेरे पास, मैं पाथ दिखाता हूँ। तो एक वर्ल्ड का मुझे यहाँ पे एक विकिपीडिया की साइट है, विकिपीडिया साइट पे मुझे क्या है कि लिस्ट ऑफ कंट्री वाई मोबाइल नंबर जो है यूजेस का, कि किस कंट्री कितना मोबाइल नंबर यूज हो रहा है उसका पूरा रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड टेबल लेके आना है। अगर ऐसा कहाँ है तो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, मैं दूसरे स्क्रीन पर पड़ा हुआ है ये रहा। तो ये जो लिस्ट दिख रहा है ना, मुझे इस लिस्ट को एक्शन में चाहिए। तो मैंने इसकी जो पाथ है यहाँ से पाथ को कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे पेस्ट कर दिया, देन ओके। अब यहाँ पे इस पेज के अंदर जितने भी टेबल्स है ना, वो टेबल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ देखिएगा सिर्फ टेबल, जो वेबसाइट के पेज पे जो टेबल्स है उसी टेबल को शो करेगा, सिर्फ टेबल को शो करेगा और किसी और चीज को नहीं। जी हाँ, इमेजेस नहीं आएंगे, पिक्चर्स नहीं आएगा, आपकी फॉर्मेटिंग नहीं आएगी, ऐसा नहीं बुरा वेब पेज उठ के आ जाए, ऐसा नहीं आएगा। सिर्फ उसकी टेबल, क्योंकि ये तो स्प्रेडशीट है ना, स्प्रेडशीट के अंदर स्प्रेडशीट है ना। ये टाइम लगा रहा है, टाइम भी नहीं लगाना चाहिए, तो कभी हो सकता है। और जो वेबसाइट इस तरह के एम्बेड होल रखा है, बहुत सारे वेबसाइट में सिक्योरिटी लगी होती है तो वो नहीं कनेक्ट कर पाता है। हाँ, आ गया यहाँ पे, यहाँ पे टेबल जी देखिए और यहाँ पे टेबल जीरो देखिए। टेबल जीरो दिखा आपको, तो टेबल जीरो जो है यही चाहिए मुझे। तो डेटा को वेरीफाई कर लिया, हम यहाँ पे लोड कर लिया। पर हाँ, ये जो भी हमने कनेक्टिविटी आज पढ़ाया, वो कनेक्टिविटी जस्ट डेटा को लोड ही नहीं करेगा, ये डेटा को मेंटेन करेगा। अगर साइट पे किसी तरह का डेटा चेंज होता है तो अपने आप को चेंज भी करेगा। क्लियर है सर? अब यहाँ आगे हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी के बारे में। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी अदर सोर्सेस के अंदर में जो माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी है, इस माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी के बारे में बात करें। अब माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी क्यों चाहिए? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ आपके सामने ये डेटा शीट से डेटा शीट को लिया हुआ। अब प्रॉब्लम ये है कि ओवरऑल डेटा आ रहा है, मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन सिस्टम चाहिए कि मुझे सिर्फ जनवरी का डेटा चाहिए, मंथ या फरवरी का डेटा चाहिए, या फलाना फिर डेटा चाहिए। तो फिल्टर जो भी यहाँ पे टाइप करो, फिल्टर करो, उसके अकॉर्डिंग डेटा होनी चाहिए। या कुछ कॉलम्स मुझे नहीं चाहिए, कुछ कुछ कॉलम चाहिए, हमें इसमें से कुछ कॉलम्स नहीं चाहिए, उस केस में हम माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं अदर सोर्स माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी। माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी पे आने के बाद यहाँ आपको सिलेक्ट करना है एक्सेल फाइल, लेकिन एक्सेल फाइल या एक्सेस से लगा सकते हो, एक्सेल से लगाना है। तो मैंने यहाँ पे एक्सेल फाइल लिया, देन ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ आपको अपना ड्राइव सेट करना है। ड्राइव सेट करने के बाद यहाँ अपना डेटा चूज करना है, जो भी आपका डेटा है, जैसे मेरे डेटा डॉट एक्सेल से इसको ले लिया मैंने, देन ओके। अब शुरुआत में क्या होगा कि आपको ये सिस्टम देखा, सिस्टम टेबल नहीं है तो कुछ इस तरह का मैसेज देगा, ब्लैंक होगा, नो सिस्टम टेबल का है, फर्स्ट टाइम है, सिर्फ एक बार आएगा। ऑप्शन पे जाके सिस्टम टेबल पे क्लिक करके ओके करेंगे तो उस फाइल के अंदर जितने भी टेबल से सारे आ जाएंगे। तो मुझे सीट 1 के चाहिए, तो सीट 1 को हमने यहाँ से लिया, फिर नेक्स्ट किया,
अब मुझे इसमें से सीट वन के मान लीजिए कोई कोई कॉलम नहीं चाहिए मुझे, यहाँ से वो कॉलम आप हटा सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे प्रॉफिट नहीं चाहिए, मैं प्रॉफिट यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट शॉर्ट करना है किसी का अकॉर्डिंग तो सिलेक्ट करके शॉर्ट कर सकते हैं। नहीं कंडीशन, यहाँ पे शॉर्ट नहीं है कंडीशन है, तो मुझे तो कंडीशन लगाना है ना मंथ पे, तो मंथ नीचे सिलेक्ट किया, ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा है यहाँ पे, पहले से ड्रॉप डाउन आ रहा था, यहाँ पे ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा है। मंथ नीचे से लेता गया तो मंथ आ गया, और मंथ में मैंने सिलेक्ट कर लिया इक्वल, और इक्वल में यहाँ डाल दिया जैन, और नेक्स्ट शॉर्ट करना है शॉर्ट कीजिए नेक्स्ट। अब मुझे इसमें क्यूरी में माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी एडिटर भी खुलता है, जहाँ पे आप कोडिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एडिटर में गए और यहाँ पे हमने फिनिश कर, फिनिश करने के बाद हमने कर दी ओके। ये देखिए सिर्फ जैन करेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे अपने हिसाब से चेंज करना है। मैं चाहता हूं कि यहाँ यहाँ P के ऊपर, P1 के ऊपर हम मंथ लिखूं, P2 पे जैन फैब, यहाँ पे फैब पर देता हूँ, फैब अकॉर्डिंग है। तो इसके लिए आपको इस क्यूरी को करना होगा चेंज। तो यहाँ डेटा बार के अंदर क्यूरी एंड कनेक्शन पे क्लिक कीजिएगा तो माई क्यूरी फ्रॉम एक्सेल फाइल आएगा। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाइए और इसकी डेफिनेशन दिख रहा होगा, डेफिनेशन पे आइए और ये देखिए यहाँ पे सिक्वल क्यूरी लिखा हुआ है। अब इसमें जहां पे जैन लिखा है ना नीचे, उस पे जाइए और वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद जैसे आप ओके करेंगे तो आपसे पूछेगा पैरामीटर, तो पैरामीटर सेलेक्ट कर लीजिए और ये दो चेकबॉक्स क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब यहाँ चेंज होगा तो ये अपने आप चेंज करेगा। देन ओके, अब देखिए फैब आ गया। अब यहाँ पे मैं मार्च करूँ तो मार्च आएगा, अप्रैल करूँ तो अप्रैल आएगा, मई करूँ तो मई आएगा। अब आपको एसक्यूएल क्यूरी आती है तो यहाँ आप प्रॉपर्टीज में जाके अपने हिसाब से जो भी सिक्वल क्यूरी है आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, या फिर क्यूरी एडिटर में जाके वहां चेंज कर सकते हैं। जहां से मैं लास्ट टाइम में मैंने एक्सेल फाइल सेलेक्ट किया था वहां क्यूरी एडिटर था, उस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। चलिए एक बार और इसको बता देता हूँ, तो यहाँ बताता हूँ ना, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, ये बेनिफिट हुआ ना सर, नहीं देख रहे हैं आप? आपने ये देखिए दो तरीके, ये सेम चीज मैंने सिंपल तरीके से बताया तो इसमें पूरा डेटा आया, आया ना पूरा डेटा। तो डेटा का मान लीजिए बहुत बड़ा होगा डेटा, लेकिन आपको जब काम करना होता है तो स्पेसिफिक रीजन पे काम करना होता है, आपको पैन इंडिया पे काम नहीं करना होता है, तो फिर पैन इंडिया का डेटा इंपोर्ट करके फाइल को हेवी क्यों करेंगे आप, समझे? तो वहां पे आप इस फीचर को अपनाएंगे ना कि आप जो डालेंगे वही डेटा इंपोर्ट होके आएगा, बात समझे? और इस पे आगे चल के आप डैशबोर्ड वगैरह भी बना सकते हैं कि मुझे मंथली, तो यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे टोटल सेल चाहिए, किस महीने कितना सेल है, ठीक है? यहाँ पे टोटल सेल्स, उसके बाद यहाँ पे टोटल क्वांटिटी, टोटल प्रॉफिट, तो यहाँ पे आप लगाएंगे फॉर्मूला किसका, एग्रीगेट का। एग्रीगेट क्या करना है मुझे, टोटल से सम करना है, सम में क्या इग्नोर करना है, इग्नोर हिडन है एरर वैल्यू, और आप आगे सेलेक्ट कर लीजिए टोटल सेल आपका कहाँ गया, यहाँ टोटल सेल्स वैल्यू, ठीक है? तो टोटल सेल्स सिर्फ इसी का आ रहा है, समझे? फिर यहाँ पे एग्रीगेट, यहाँ पे इक्वल एग्रीगेट वैल्यू, एग्रीगेट पे मुझे सम करना है इसकी क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी इग्नोर क्या करना है तो सम करना है, इग्नोर करना है एरर हिडर 7 नंबर, और सम करना है क्वांटिटी, क्वांटिटी लीजिए। सेम ऐसे ही एग्रीगेट फॉर्मूला है और मुझे यहाँ पे सम करना है किसका, इग्नोर क्या करना है, तो इग्नोर करना है मुझे एरर हिडन, और यहाँ पे हम करना है सम किसको, तो प्रॉफिट। जैसे प्रॉफिट, मैंने प्रॉफिट तो हटा दिया था ना डेटा में, प्रॉफिट है ही नहीं,
अब मैं यहां से मई के जगह पे जैन डालू तो जैन के अकॉर्डिंग सेल आ गया सर यहाँ ओवरऑल, ठीक है। दूसरा, मुझे डेटा चाहिए लेकिन डेटा समराइज चाहिए, क्या चाहिए? समराइज चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी पे गए, सेम हमने एक्सेल फाइल को सिलेक्ट किया, देन ओके, और यहां हम डेटा फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं कि डेटा एंड ओके, और सीट वन यहां से लिया हमने, सीट वन सारा डेटा ले लिया यहां से, नहीं सारा डेटा नहीं ले रहा, यहां से हटा देता हूँ क्वांटिटी सोल्ड एंड मंथ, नहीं मंथ भी रहा है तो मुझे जून भाई चाहिए ना, यहाँ से हम जून सेलेक्ट करते हैं, 3 चाहिए। आईडी हटा देता हूँ, आईडी नहीं चाहिए, और इसको रिमूव किए, अब क्वांटिटी सोल्ड डालेंगे इसके नीचे। नेक्स्ट, कंडीशन कोई लगानी नहीं लगाना है, नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे एडिट माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी पे जाके फिनिश कर। अब ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी आ गया। अब यहाँ पे एसक्यूएल पे क्लिक करेंगे तो मैं अपने यहाँ पे एसक्यूएल क्यूरी डाल सकता हूँ। जैसे सीट यहाँ पे हम कर देते हैं जोन, और यहाँ पे कर देते हैं सम, सम के अंदर इसको सिलेक्ट किए यहाँ पे एज ए टोटल, और यहां नीचे लिख देते हैं ग्रुप बाय, और ये पूरा जो जोन है वो ले देते हैं, और यहां पे ओके करते हैं। अब वो दिख रहा है जोन बाय समरी बन गई यहां पे। अब यहां पे रिटर्न टू माइक्रोसॉफ्ट, दिखा सर। तो हमने पूरा डेटा नहीं उठाया, हमने एक समरी उठा लिया, और समरी उठाने के लिए हमने क्या कोड किया चलिए बताते हैं। हमने क्यूरी कनेक्शंस और इसके ऊपर राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, और इस यहाँ पे हमने डिफिनेशन में देखिए जो था हमने यहाँ पे ग्रुप बाय लगा दिया और यहाँ पे सम कर दिया। तो ये सब करने के लिए आपको सिक्वल क्वेरी पता हो तो इसका यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट गेट डेटा के अंदर में हमने फॉर्म फाइल पढ़ लिया, फॉर्म डेटाबेस पढ़ लिया, उसके बाद फॉर्म अदर सोर्सेज में हमने वेब पढ़ लिया, और यहाँ पे हमने माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी को भी पढ़ लिया। बाकी जो चीजें हैं ये आपका ब्लैंक डेटाबेस वगैरह है। इसके बाद हाँ, यहाँ पे एक नई फीचर आई है पिक्चर, जैसे कि आपको किसी ने स्कैन करके कोई कॉपी भेज दिया, ठीक है। अब उसकी डेटा एंट्री आप नहीं करना चाहते, कोई को फोटो मैंने किसी ने फोटो खींच के ही आपको भेज दिया, किसी ने फोटो खींच के ही आपको भेज दिया, अब उस फोटो को आप नहीं चाहते हैं अपने हिसाब उसको मैनुअली टाइप कर, तो क्या करें। तो पुराने एक्सेल में तो इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन नया एक्सेल में इसका जवाब है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हम डेटा में आते हैं, इसी डेटा की बात करते हैं, इसी डेटा को हम कॉपी कर लेते हैं, तो पिक्चर अगर सही से हुआ तो भी वो भी आता है, उसमें भी दिक्कत होती है। इसको मैंने सबसे पहले तो पेस्ट है जो यहाँ पे वैल्यू करता हूँ मेरे घर पे, और इसके बाद इसके बाद बॉर्डर लगा देता हूँ और इसको सेंटर कर देता हूँ। अब ये जो डेटा है मान लीजिए कि किसी ने आपको पिक्चर में भेज दिया है, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको कट करके मैंने दे दिया। अब पिक्चर में दे दिया है, अब मुझे इस पिक्चर का डेटा को मुझे टाइप करना है, स्कैन करके भेज दिया है, तो क्या करें। तो इस पिक्चर को मैं यहां से कॉपी करता हूं और डेटा में जाते हैं, फ्रॉम पिक्चर आपको इतना दिख रहा होगा, इस पे आया,
इसमें आता है फ्रॉम फाइल, मतलब कि आपने पिक्चर को स्लैब सेव वगैरह तो नहीं कर रखा है, वहां से ले लीजिए, या क्लिप बोर्ड के आपने कॉपी कर रखा है। हाँ मैंने कॉपी कर रखा है, तो क्लिप बोर्ड पे क्लिक किए, तो क्लिक करते ही आप यहाँ के हाँ ये देखिए, अब इसने इस पिक्चर को यहां से आइडेंटिफाई किया और डेटा यहाँ पे आपको शो कर दिया। जैसे इंसर्ट डेटा देंगे ने बताया कि 50 आइटम जो है ना ये नहीं समझ पाया, 50 आइटम को समझ नहीं पाया, तो यहाँ पे इंसर्ट एनीवे कर दिया, तो इसने देखिए डेटा इसके अंदर डाल दिया, टाइप कर दिया। कहीं कहीं पे प्रॉब्लम हो गई है, जैसे कि ये देखिए उदय का, ये देखिए कविता का 25 था, 0.25 लिया, 25 हो गया, और ये आपका उदय का 90 था तो गो ले लिया। तो कुछ एरर लेंगे जिसको आपको सही करना पड़ेगा। हाँ कुछ हद तक तो ये काम कर देता है, समझे? ये नई फीचर्स है, क्या बोले सर? सर एग्जैक्ट जब आ जाएगा तो डेटा एंट्री का जो इतना बड़ा मार्केट है वो तो फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना सर, समझ रहे हैं ना? एग्जैक्ट नहीं आता, लेकिन हाँ आपको मान लीजिए कि आपका अगर 100 पढ़ना है, 100 मान लीजिए आपका, अगर मान लीजिए 100% जगह पे 80% भी ला दिया तो 20% ही सही करना है ना सर। अब इसमें दो चार जगह गलती है, दो चार जगह ही सही करना है ना, क्या सर? ठीक है, अब अगला स्टेप आता है, वो आता है पावर क्यूरी। पावर क्यूरी, कंबाइंड क्यूरी भी पावर क्यूरी का ही पार्ट है। ये चीजें हम आपको कल की क्लास में सिखाएंगे। आज जो है डेटा कनेक्टिविटी आपने सीख लिया, कल हम पावर क्वेरी सीखेंगे। उसके बाद एक क्लास जो होगा वो आपका मेनू बार होगा, छोटे मोटे मेनू बार में बड़ी चीजें नहीं, छोटे मोटे चीजें हैं, एक कर लेंगे। उसके बाद तीन तीन से चार क्लास आपकी डायनेमिक चार्ट की है, ठीक है? पूछिए।